So we are all set to leave for run of Kutch. Rahul has done with his mounting. CBR 150 is almost ready. Even I am ready. I just need to put this camera bag inside my bag. Sameer Ansari is trying his level best to handle his bungee cords. Sameer, how many bungees did you put? 4 bungees. You put bungee cord. Even Amar is done with his bungee roping with his saddle bags as well. And here the clothes are soaking. I think a napkin. Anyways, ठीक है. So we'll just leave in a while. Finally. So we are just leaving in a while. We're done with everything. So now we're just waiting for Amar. We'll have a sip of cup and then we'll just leave. So actually plan ये था. छोटा सा दो माले का mountain. वहाँ जाके कुछ shoot करना था. Rahul का plan था. Can go but वो नीचे ही रुके हुए. बट ये बच्चे लोग बीच में आने वाले. पेट्रोल 68 बड़ा टैंक है बड़ा. इज फिलिंग अप द पेट्रोल राइट इन हिज बिग बैरल. आई कैन से ओह शी लुक्स नाइस. मामा मिया. हम एक्चुअली अच्छे खासे किलोमीटर्स कवर कर रहे थे बहुत कम टाइम में और जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही थी. बाइक्स भी अच्छी रिस्पांस दे रहे थे. सडनली एक चीज हो गई हमारे साथ, हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी पर हो गई. और वो कहते हैं ना, होनी को टाल नहीं सकते. तो वैसे ही कुछ हुआ हमारे साथ. एक छोटा सा नहीं कह सकता पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमें पूरा एक दिन हाईवे के साइड पे एक होटल में रुकना पड़ा. होटल आराम. वहाँ के लोगों ने हमारी बहुत मदद की. बाइक्स की कंडीशन ठीक नहीं थी तो हमें बाइक्स को रिपेयर करना पड़ा. अमर और समीर ने उसी दिन 400 किलोमीटर पीछे जाके बजाज के सर्विस सेंटर में जाके स्पेयर पार्ट्स ले आए, उन्हें अपने बाइक पे फिट किया और वो सारे स्पेयर पार्ट्स अपने बाइक पे फिट करने के बाद हमारी जर्नी अगले मॉर्निंग. हम चारों ने 6-8 घंटे नींद ली और फिर अगले मॉर्निंग ने हमारी राइड को शुरुआत की. पर उससे पहले हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो चुका था, इसके वजह से हम लोग ने सोचा कि हम लोग इस राइड को डिसकंटिन्यू करके यहाँ से रिटर्न घर पे निकल जाएंगे. पर एक सिचुएशन आई जहाँ पे हम लोग घर के लिए निकले, हम लोग ने 60 किलोमीटर हम लोग पीछे चले गए और फिर कहाँ पता नहीं एक छोटा सा चाय का हॉल्ट लिया. और हॉल्ट लेने के बाद एक अजीब टॉपिक हमारे बीच में बाहर आया कि भाई देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जंग छोड़ के वापस घर जा रहे हैं और मतलब नहीं बनता. अगर करना है तो राइड पूरा करते हैं या फिर ऐसे मतलब नहीं बनता घर जाने का. तो चारों ने साथ में हम लोग खड़े हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई करना है तो पूरा करना है राइड या फिर नहीं करना है.
गाइज ये जो एक्सीडेंट है इसका फुटेज मेरे पास है, तो ये फुटेज मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा क्योंकि इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मुझे आपसे शेयर करना है। समीर और राहुल दोनों को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था इस एक्सीडेंट की वजह से, तो उन्हें ये एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। आप अगर लंबे जर्नी पे हो तो इस सिचुएशन से कैसे बचे और इस सिचुएशन में क्या करें और क्या ना करें। मैं और अमर हम दोनों कम्प्लीटली सेफ थे, पर इस सेफ्टी का मतलब ये नहीं बनता कि हमें बेफिक्र होके आराम करना है। इसका मतलब ये होता है कि टीम वर्क इस जगह पे बहुत काम करता है। अमर ने समीर को 400 किलोमीटर के ड्राइव में हेल्प किया, बाकी समीर पीछे बैठा था अमर के बाइक पे, जबकि मैं वहाँ पे ट्रक और ये सारी लोगों से कांटेक्ट निकाल रहा था। लकीली हमें जो आगे का रिम टूट चुका था उसके लिए एक कॉन्टैक्ट मिला, जिसके वजह से हम लोग ने उस कॉन्टैक्ट के थ्रू एक सेकेंड हैंड बाइक का रिम हम राधनपुर से ले आए और बाइक का काम पूरा हो गया था। राहुल के बाइक में भी डैमेज था पर वो हमने वहीं पे फिक्स कर लिया, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। दोनों बाइक्स नॉर्मल हो चुके थे और हम आगे बढ़ गए। माना कि हम लोग 60 किलोमीटर पीछे चले गए थे, पर दिल नहीं माना घर जाने का, तो हम लोग ने ये जर्नी कम्प्लीट करने की सोची। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Now you might be able to see Amar standing on the window. Amar, ek bar se dikha de gun. Samajh mein nahi. Thanks a lot, Samir. Okay, Samir tak, lighting man. Okay. कहाँ पे है मार? हर जगह अंधेरा है. ड्राम है. हाँ? किधर है? किसी का नुकसान मत कर. हमारे में मार. ड्राम है. हमारे में. नीचे आदमी लोगों का तो मत मार, बंटी सामने मार. तेरे मत कर. अपने को निकाल देंगे होटल से. आवाज आएगा रे, बहुत आवाज आएगा। ए क्या फूटा? All right, and this was the location wherein we made our mind. We changed our decision that no, we ain't going home until we complete the journey. Yes, we were sure that it was almost the evening wherein we start our journey towards Run of Kutch. We will be reaching in Bhuj by the next morning. We were pretty ready to ride overnight to reach Bhuj. We were completely ready with the extreme cold stuff, as we were habituated to it from past 6 to 7 days. And the journey begins again. I was feeling extremely proud of my entire team, that everybody stood together, everybody said that let's do it and let's not leave it back. We had one thing in our mind, to complete Indore, Ajmer, Mount Abu, Run of Kutch, and then head back to Mumbai. Unfortunately, something happened in between, but yes, the entire team walked together, and yes, we did it. We all did it, and we are back on the tracks. This was the moment wherein we had mixed minds of completing the journey without a breakdown or with a breakdown, but we were completely ready to face whatever gets in our way. And that is how, after a long time, by 5:30 in the morning, we reached Bhuj, and it was pretty tough for us to keep on searching for hotels by that time, as most of the rooms were packed and there was no place for us. Finally, with God's grace, we got a room in a hotel and we just landed on the bed like we were almost dead. I'll see you the next morning. So we are in Bhuj right now. Me and Rahul are waiting for the parcel counter. Practically bored. Bit bored because we have stayed near Station Road and it's too much crowdy and bahut rush hai. Reminds me of Hubli. Haan. Ek ajeeb cheez actually yahan pe hai. Yahan pe traffic ke saath गाय भैंस भी एकदम खुले में शांति से घूमते रहते हैं, वैसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बट फिर यू नो दे आर एक्चुअली ह्यूज, सो ट्रैफिक होता है कभी कभी, और इनको हॉर्न भी दे तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, सो थोड़ा प्रॉब्लम है। इफ वी हॉन्क पीप इसे अगेन टू पीप अगेन पीप 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 एक सेलेक्ट नो रिएक्शन इज फीलिंग अमेज्ड लुकिंग एट मी थैंक्स यार थैंक्स यार अरे नहीं 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 खाओ 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 थैंक्स यार थैंक्स बहुत भूख लगी थी थैंक यू बाय बाय या दैट इज हाउ अमर लुक्स विदाउट पैंट्स ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम भुज
what's today? 25th, right? Yeah. Christmas. Merry Christmas, brothers. Yeah. Ding 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 ding. Let's add this. Ding 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 ding. Okay, hello people. Good morning, all my subscribers, and Merry Christmas to all of you. Make sure you enjoy your entire day. Now, even we are gonna enjoy our day. We are gonna celebrate our Christmas in White Desert. So. White Run. 100 kilometers away from Pakistan border, from Karachi, right? It's like a Baden. Baden side. First of all, let me show you. This lift doesn't give fuck to any. Look, it doesn't work. कोई इसको इसकी माँ का सुनता ही नहीं है. I think इसमें कोई sensors है ही नहीं. No. You have to just open the door. Oh, it's working now. It's working. ओके अपन भी यहाँ पे ओके मांडवी ये देखो मांडवी लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस सेंचुरी देयर टू मेनी एस इन द ओके बोटाड और राजकोट रन ऑफ कच्छ ये देख रण उत्सव एंड हियर इज पाकिस्तान हाँ या हियर इज पाकिस्तान तो अगर यहाँ से जाते हैं तो ये कुछ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो दिस इज 60 दिस इज 40 100 किलोमीटर एंड यहाँ पे कराची है वी एंड गोइंग देयर अभी अगले राइड पे दैट इज हाउ यू गेट टू पार्क योर बाइक्स इन एन अनफॉर्चुनेट मैनर डावल समर्शियन सेंट्रल प्राइम एंड बम्बलबी Look at the condition and look at the situation we have parked in. ऐसा लग रहा है कि second hand bikes है. Wow. Sorry, honey. I couldn't help this. कपड़ा कितना ना? कपड़ा 30 रुपये हो गया हमसे. त्रिश में प्रोग्राम. भले भी साथ है. अलग अलग मल से. जलेबी फाफड़ा ओके 100 ग्राम आपो बोले तो 100 ग्राम आपो मीन्स दिस लाइक कि 100 ग्राम दो करके 100 ग्राम दो और क्या पूछा था अलग से चाहिए तो साथ में भी दे सकता है अच्छा अलग से चाहिए तो अलग से ही मिलेगा अच्छा सच है आपको दे दूंगा ओके कितने का है यहाँ पे 30 रुपए का 30 ग्राम मिल रहा है 30 ग्राम यस 30 रुपए का 30 ग्राम देखते भी कितने लेता हूँ ये क्या इतना था काका ये मत ले दिस इज बिट काइंड ऑफ चटनी जो खाने के लगता है हेलो साहब कितना ना 30 भाई जा रहा है टेबल पे नैना ले जा कैन यू सी मैन व्हाट Thank you.
पूरा रास्ता खुला दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, क्योंकि मुझे एक DSLR शॉट लेना था। सो ठंड इतनी है, हर चीज़ हाथ को चुभ रही है। सो एक छोटा सा DSLR शॉट ले लेंगे और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में डाल देंगे। There you are. सोच रहा था दूसरा लेंस यूज़ करूँ, पर कोई बात नहीं, कर ही देता हूँ। ठीक है, विल कम। ओके, इन शॉर्ट इसको ऐसे ही रखा था मैंने, एक दिन मेरे सारे लेंस ख़राब होने वाले फॉर श्योर, जस्ट बिकॉज नोबडी इज आई एम नॉट केयरलेस बट देन आई यूज इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। Wow, desert! Now I need to give them a call. Fuck, mobile network not available. Holy fuck. Oh shit. Jio का network नहीं चल रहा है। राहुल को call करके देखता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। क्या पोपट हो रहा है यहाँ पे? एक बकवास तरीके का। आई नो, आई ऑनेस्टली ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। शायद आपको भी पसंद नहीं आया होगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं काफ़ी अंदर खड़ा था, ये लोग आए। हाँ हाँ हाँ, पोपट हो गया, हंसो, तुम भी हंसो। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ से जनरली रोज ट्रैवल करने वाले लोगों को ये सब कुछ कुछ खास नहीं लगता रहेगा। दिल भी लाइक रोज का यार, डेजर्ट वेजर्ट आके पागल हो रहे साले। बात तो सही है। मैंने एक्चुअली थैली लाया छोटा, तो उसमें थोड़ी सी रेत भर के लेके जाने वाला। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोना डू विद दैट, बट आई रियली फील लाइक टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाइट सैंड एंड इवन द ब्राउन सैंड फ्रॉम हियर। वाओ, अरे माता जी, क्या कर रहे हो रास्ते के बीच में? हाँ, मल्टी स्ट्राडा। वी नीड अ स्टोन। दीज गाइज आर लाइक सो स्लीपी फकर्स। ओके, आई होप दैट्स गोना वर्क। साफ सफाई कर रहे हो? ये चीजें साफ कर रहे हो आप? साफ करें। तो ऐसा एक एक करके हाथ से उठाना पड़ता है? हाँ, झाड़ू भी तो नहीं मार सकते? झाड़ू भी नहीं। अरे यार, अरे तो लोगों को बोला करो ना, मत डालो करके साले हरामी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, ट्रस्ट मी। सो नाउ दीज गाइज आर पिकिंग अप दीज थिंग्स, दीज पर्टिकुलर थिंग्स बाय द हैंड। सो थिंग्स लाइक दीज, so people I can say around, so what they do, they put those things down, they eat this. Now this is Vimal, this is Pan, and then they throw it away.
थोड़ी सी हेल्प करता हूँ आपकी। हेलो यार, अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को बोलो यार खींच के दो, साला दो नहीं डालने का कचरा। वो I wish I could buy all those things, but then I don't have much amount of money. I think I can at least buy these keychains. एक काम करो अंकल, ये चार दे दो ना। वो क्या है, पहले से बाइक पे सामान बहुत है, ये सब लेके जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। Now he is asked for 50 rupees per piece. I am purchasing 4 pieces. I am not at all bargaining, because we go to Big Bazaar. We don't bargain. Right over here, we keep on bargaining. Rather than bargaining, let's help them. ऐसे जगह पे bargain करने का कोई मतलब नहीं बनता। These all those things are handmade, और इसी से इनका घर चलता है। Let's not be biased towards these people just because they're selling it on the road, and we standardize ourselves when we enter mall. Police officers. Right over there is the tent city. Over here it's White Desert. So first of all, we are gonna head up to White Desert. Oh my god, this looks amazing. God, look at that dude. Yep. Recording successfully. Thank you. Oh my god, this looks so damn amazing. That's an ATV. Wow. Stop for entry. Holy fuck, we made it! Run it, sir. Unfortunately, it's broken. Acha, 1 minute. Okay, so the formality says anyone amongst all your team has to make an entry with a valid pass. A valid pass like Aadhaar card, PAN card, or maybe a driving license as well. So Amar has done that favor for us. And we are finally made it! See, entrance, no flags, no sexy there. Bahut sahi tha, bahut sahi tha, class tha. Camera pe. We finally reached the place which we are. Woo! Holy fuck! Woo!
Whoa! I'm vlogging, recording. Yes, yes, sir. अरे दिखाई दे रहा है आपको? ओके ओके कूल है ना, चलो फकिंग पास. ओके वंडरफुल. ओके वेल वी रीच्ड ओवर हियर. यू माइट हैव सीन आवर एपिक एंट्री एंड सो मेनी पीपल ग्रैब्ड अस. दे वांटेड टू क्लिक पिक्चर अलोंग विद आवर बाइक्स बिकॉज दे आर लुकिंग डैम प्रिटी. डस्टी आई कैन से बट देन स्टिल प्रिटी. And now we have changed our place to park just because we have parked right over there. The gate is right over here. But we parked it just because we are going to keep our saddlebags right then. And we were practically worried that if ye sab saman yahan pe rakh denge to shayad se anybody can steal it. So the guard right over there, he helped us. He said that you can park your bikes here and you do not have to worry about it. So I'm really happy. People are really cooperative over here. And we really hope now we're gonna go over there till the end. I'm gonna continue this vlog right then. So let's go. So no more riding, it's just gonna be walking. Beautiful. Take a look at Amar. Okay, so many likes for Amar. Tell me, like, hit likes for Amar. This video should reach 200 likes at least. 200 at least, at least 200. अरे नहीं यार, तेरे इतने लाइक्स अभी भी. ओके फाइन, लाइक 500 लाइक्स. ओके 500 लाइक्स, 500 लाइक्स फॉर अमर. हाँ एक एक वीक के लिए सॉर्टेड है. हाँ एक वीक में 500 लाइक्स, लेट्स होप गुड. ओके ऑल राइट, वी हैव पार्क्ड आवर बाइक्स राइट ओवर देयर सेफली. वी हैव इवन एडेड दी रेन कवर्स इन केस अगर किसी ने चोरी करना रहेगा तो उसको और 5 मिनट डालने होंगे रेन कवर्स निकालने के लिए. सर एंटरिंग रणोत्सव, दिस लुक्स डैम अमेजिंग. Hello, hello, thank you so much. It's a privilege to shake hands along with these people because they've been safeguarding our coastal borders of our country, India. Haath laga sakta na dost? Haath laga sakte na? Abhi, nahi, haath hi laga raha tha yaar. Laga, laga. Okay, have you subscribed? Well, subscribe to Wheels of Lost Freedom. You'll get to see your footage right there. Rehna hai? Nahi. Saman kaafi hai, rehne do. Sultan? Ye Salman. Ye dekho to. Salman? Acha, they got their own names. This is Salman, Sultan. Oh, nice names. By the way. Damn amazing. That is how a camel looks like. I'm pretty sure you guys might be knowing. But then I'm just comparing my height with this guy's. He's really tall. Do you watch YouTube? Oh. Well, to be honest, it seems like my SD cam, which I'm using right now, will not justice. Okay, he needs to get in the footage. Alright. Okay, it seems like my SD cam will not be able to justice this particular location. So I think I need to switch it off and turn on my DSLR. So let's do it. Alright, so that's better. I think, and I'm walking with all these stuffs. There's a helmet on my back, carrying my laptop bag just because I don't want to take any risk. I have this camera bag, a selfie stick inside my jacket, a pouch as well. It's hurting me now. I have to almost walk till there. You know, being a YouTuber and being a vlogger as well, I never wanted to get tired. And this sounds to be the best day of my life, and I'm pretty happy about it. It was really tough reaching over here. We met with an accident. We had to face too many things. Amar and Samir, they had to travel 410 kilometers in like what, 4 hours I can say, just to get a rim for Pulsar 220. And it was really tough. But guys, honestly, I can just say one thing, that if you're not doing this, if you're not living your life to the edge, if you're not counting your days just because you're wasting them, it's not worth. And if you have any of your experiences traveling to White Run, you can share it in the comment section below as well. We would have a sweet chat for sure. Hello.
Alright, we are walking from a long time. It's been 2 hours we are walking. Just kidding, it's been 20 minutes we are walking, but it feels like we have completed 2 hours of distance. But then, right from there, we completed at least 80 kilometers. 80 kilometers still. Now. 80 kilometers still. Minimum 80 kilometers. Okay, but then, वहाँ से जितना दूर दिख रहा था, उतना दूर भी नहीं है. We almost reached. What exactly is a white desert? Is a salt pan, and people call it as desert, but it looks amazing. Trust me. Okay, I hope this landscape looks better. I wish I could have a lens of 14mm, that could have been better shooting in here. This is a very huge landscape, and even this DSLR won't make a justice to it, but then I'll try my level best. We are almost completed 50 kilometers of walking. It feels like one. Alright, well, I'm just using my 55-250 lens for a few photographs, so I'm gonna vlog once again with this camera. To be honest, it's very tough to travel on a bike, but then in the end, if you have to carry all those things on your back, it's very tough. Now it's killing my shoulders. All I'm just hoping that it should not hurt my ride. Amazing view. Alright, so this is the last destination of Wolf for the December ride, Run of Kutch. We are finally here, and this is our moment. Me, Sarvesh Breed, will always be working hard to achieve my dream destinations. I do not run this channel for subscriptions, views, likes, or any level of monetization. I just do it to share my experience, my life with you people. I truly love all of my subscribers, followers, friends, buddies, riding partners. It's my family, and that is what I live for. I'll see you in my next journey, in my next expedition. Once again, sorry for uploading these vlogs pretty late. Join the family of Wolf and be a part of this channel so that you don't miss my next expedition. See you soon in my next vlogs. Till then, ride hard, ride safe, ride long. We'll be right back.